तो फाइनली गाइस वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड फाइनली स्प्रिंग ऑफ सौरव गॉन्टलेट आ चुका है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 ऑब्जेक्टिव हमें देखने के लिए मिल गए हैं गेम के अंदर। तो यहाँ पे अभी मैं 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाला हूँ, जो है 2017, 2018 और 2019 वाला एंड 2021, 2022 और 2023, 24 वाला है। तो ये 2 माइलस्टोन मैं इसमें पूरे करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले मैं कोई और सा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये वाला पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते, थोड़ा ईजी लग रहा था मुझे। एंड अगर किसी को पेड पुश करवाना है स्प्रिंग ऑफ सौरव गॉन्टलेट को, तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर तुम लोग मेरे को लाइन आईडी पर मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ पर 100% रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं विव विजन वाले पे आ गया, और ये आइटम लेस नहीं है, यहाँ पर मैंने थोड़ी रिवाइव यूज़ किया, कुछ 5 या 6 रिवाइव यूज़ किया था और उसके बाद ये कम्प्लीट हुआ है। एंड भाई देखो, ये वाली फाइट इतनी टफ नहीं थी हरक्यूलीज के साथ, क्योंकि इसकी हिट पॉइंट 1 मिलियन से भी कम थी। तो हरक्यूलीज के साथ ऑलमोस्ट मेरे को 2 ट्राई यहाँ पे लगे थे, 2 ट्राई में मैंने ये वाली फाइट इजीली कंप्लीट कर दिया था। ये वाली फाइट भी मेरे को थोड़ा टफ पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जम रहा नहीं था कि इसके साथ कैसे खेलना है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जा रहा था मतलब कि कैसे इसको हैंडल करूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे 3-4 रिवाइव लगी थी और ये कंप्लीट हो गया था। एंड अभी स्प्रिंग ऑफ सौरव के सारे रिवॉर्ड्स मैं ओपन करूँगा, उसका भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करना कि तुम लोगों को अगर पेड पुश करवाना है तो तुम लोग कमेंट में भी बोल सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ पे भी रिप्लाई दूंगा। एंड तुम लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है कोई भी फिजिकल रेजिस्टेंस, कोई भी डैमेज इसमें नहीं आ रहा था, तो मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। एंड रूटेड भाई इसके साथ जो था ना, मैं फाइट ऑलमोस्ट भूल गया था कि कैसे करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब 2-3 रिवाइव लग गई, तो मेरे को प्रॉपर याद आया कि हाँ, मतलब मैं अपने आपको सेट कर पाया इस फाइट के लिए कि हाँ भाई इस फाइट को इस तरीके से हैंडल करना है। तुम लोग देख सकते हो कि अभी मैं स्पिरिट गॉज को फुल 10 पे ले गया और बर्स्ट डैमेज भी ले लिया। मैं ध्यान से उधर जाता कि भाई वहाँ पे स्पिरिट गॉज भी है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। तो अभी यहाँ पे 2-3 रिवाइव यूज़ करूँगा मैं एंड ये चीज़ हो जाएगी कम्प्लीट। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ आगे वाली फाइट पे। तो ठीक है, हम आ चुके हैं आगे वाली फाइट पे। यहाँ पे हरक्यूलीज से 1 ट्राई किया था मैंने, लेकिन वहाँ पे भी नॉक हो चुका था मैं, तो मैंने हल्क को लेके गया। एंड इसका जो रिवर्स कंट्रोल था वो स्टार्टिंग में मैं भूल गया था, नोट भी नहीं पढ़ा था मैंने। तो जब मैंने नोट पढ़ा तो रिवर्स कंट्रोल देखा, उसके बाद मैंने हल्क को यहाँ पे लेके गया। तो आप तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इजीली मैं हल्क से इसको बहुत मारने वाला हूँ, मतलब बहुत अच्छे से पेलने वाला यहाँ पे। एंड आई थिंक तो अगर, लेकिन देखो इस पर रिवर्स कंट्रोल चैंपियन, मतलब रिवर्स इम्यून कंट्रोल चैंपियन है, वो काम नहीं करने वाले हैं। अगर तुमको चाहिए है कि तुम मतलब रिवर्स कंट्रोल चैंपियन ले जाओ, तो भाई तुम्हें यहाँ पे डीजनरेशन डैमेज होगा, तो उस हिसाब से तुम यहाँ पे कोई भी ऐसा चैंपियन लेके नहीं जा सकते जिससे तुम मतलब रिवर्स कंट्रोल को इम्यून कर दो, वरना तुम्हें डीजनरेशन होगी बहुत ज़्यादा। तो इससे अच्छा है कि तुम भाई कोई भी ऐसे चैंपियन को लेके जाओ इस पे, जो मतलब उसके फिनिशर्स पे बहुत ज़्यादा हाई डैमेज हो। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि हल्क का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज है, और यहाँ पे जा हो गया, नॉक हो गया यहाँ पे, लेकिन भाई हल्क ने अच्छा खासा डैमेज दे दिया। 2 एसपी दिया खाली मैंने हल्क के साथ। एंड तुम लोग देख सकते हो कि भाई वो 50% से भी कम हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा हरक्यूलीज को एंड SP2 ट्राई करूँगा। अभी देखो मैंने अच्छे से इसके ऊपर मतलब समझ गया कि कैसे इस पर हैंडल करना है। तो अब तुम लोग देख सकते हो कि भाई SP1 और SP2 ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। जब भाई SP1 के बाद SP2 दो, तो हरक्यूलीज का डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। अरे दे दे भाई SP, हाँ ठीक है, इतने SP दे दिए। एंड अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। एंड अभी तुम लोग देख सकते हो कि अभी यहाँ पे मैं SP1 दूंगा इसको, एंड थोड़ा सा पावरस वाले भी इफेक्ट लेके आ जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ इंटरसेप्ट करने की, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेशल इंटरसेप्ट किया। तुम लोग देख सकते हो कि भाई इतना तगड़ा डैमेज तो नहीं है, लेकिन ठीक है ठीक है। अभी मैंने SP1 नहीं दिया था ना यहाँ पे, अभी SP1 दूंगा ना तो प्रॉपर हो जाएगा डैमेज। हाँ, यहाँ पे रिवर्स कंट्रोल की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था, ये एक वॉइस ओवर वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग डैमेज देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन अभी तुम लोग देख सकते हो कि अगर एक बार SP1 दे दिया ना मैंने, तो इससे अच्छा डैमेज निकल जाएगा। पाक हक दिया भाई, हक दिया हक दिया हक दिया हक दिया, नॉक हो गया, नॉक है यहाँ पे लग रहा है। अब बस भाई पेल दे, मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं सोच रहा हूँ अब इंटरसेप्ट नहीं करने की। हाँ ठीक है, मैंने इंटरसेप्ट नहीं किया यहाँ पे, मैंने ऐसे ही स्पीच देना स्टार्ट कर दिया। हाँ नहीं, नॉक हो जाऊँगा लग रहा है, ब्लीड गया। अब इतने से के लिए भाई मैंने एंडिंग में हक दिया स्टार्ट टू एंड, मतलब इतना अच्छी फाइट जा रही थी और एंडिंग में आके हक दिया मैंने। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं जेसिका जोन्स वाली फाइट के ऊपर। एंड तुम लोग देख सकते हो कि इसको थोड़ा आगे करते हैं, डायरेक्ट फाइट पे लेके चलता हूँ मैं तुम्हें। एंड तुम लोग अब यहाँ पे देख सकते हो कि 10 हिट मार दिया मैंने, लेकिन ये प्रोटेक्शन और अनस्टॉपेबल वाली चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा टफ पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि अभी हरक्यूलीज जो है वो भाई सिर्फ SP पे, क्योंकि SP के बिना इसका कुछ इतना डैमेज नहीं है। अगर मैं मान के चलो क्रिटी और प्रोटेक्शन ले लूँ, अगर नहीं लूँ तो मतलब इसका इतना डैमेज नहीं है, तो फिर ये बेकार हो जाता है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो
कितना कम डैमेज हो रहा था, अब यहाँ के 5,000 का क्रिटिकल हिट पड़ रहा है, यहाँ पे 4,000 3,000। तुम लोग देख सकते हो कि भाई जैसे जैसे प्रोटेक्शन बढ़ते जा रही है वैसे वैसे डैमेज कम होता जा रहा है। भाई ये वाली अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हो ना तुम लोग 2021 2022 और 2023 वाला, तो तुम लोग भाई हल्क को यूज़ कर लो और ह्यूमन टॉर्च को यूज़ कर लो। ह्यूमन टॉर्च भी बहुत पुराना है, हल्क तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, एंड हरक्यूलीज भी हो जाता है 2021 वाले। अब यहाँ पे मैं नॉक होने वाला हूँ आई थिंक सो। अब स्पीड नहीं देना चाहिए थी मुझे यहाँ पे क्योंकि वो अनस्टॉपेबल हो रही थी, मतलब मालूम होने के बाद भी मैंने ये मिस्टेक किया, एंड यहाँ पे होने वाला हूँ नॉक। अब चलते हैं, मैं तुम्हें डायरेक्ट हल्क वाली फाइट पे लेके चलता हूँ जो मैंने हल्क से किया हूँ इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हल्क लेके आ गया। भाई जब हल्क को लेके आया हूँ ना तब यहाँ पे तबाही मचा दिया भाई हल्क ने। एंड अब तुम लोग देख सकते हो कि जो क्रिटिकल हिट है इसके स्टार्टिंग से 11,000 के पड़ रहे थे। तुम लोग देख सकते हो कि 15,000 11,000 के क्रिटिकल हिट्स मार रहा है, अभी तक गामा रेज तो शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज़ हरक्यूलीज के साथ नहीं होती, पता नहीं क्यों। तो देख सकते हो कि 16,000 11,000 12,000 के 25,000 का क्रिटिकल हिट भाई, गामा रेज में तो 25-25,000 के क्रिटिकल हिट पड़ रहे हैं भाई साहब। तो हल्क एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है जेसिका जोन्स के लिए अगर तुमने यहाँ पे, मतलब मैं इसको सोलो भी लेके जा सकता था लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी रिवाइव वगैरह यूज हो गई है, लेकिन अगर ट्राई करो हल्क के साथ तो हल्क इसको सोलो भी लेके जा सकता है इजीली। ठीक है, मैंने यहाँ पे SP3 यूज़ कर लिया, एंड एक प्रोटेक्शन कम हो जाएगी क्योंकि स्पेशल पे भी एक डाउन होती है। अब मुझे खाली एक हैवी देना है, तो ये सारी जो एक प्रोटेक्शन है वो भी हट जाएगी। ठीक है, ये भी हट गई, एंड अनस्टॉपेबल इसका बहुत परेशान कर रहा है खाली। अगर देखो भाई तुमने कोई स्लो चैंपियन लेके आ गया जो स्लो डीबफ देता हो तो भाई तब तो और इजी है ये फाइट, जैसे कि किल मॉन्गर है या फिर कोई भी स्पाइडर वाला चैंपियन है, स्पाइडर मैन, ये सब में से कोई स्पाइडर गवेन स्लो डीबफ देती है। बहुत सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो स्लो डीबफ दे देते हैं, तो अगर तुम लोग उनमें से किसी एक को लेके आओगे तो तुम्हें ज़्यादा ईजी पड़ेगा ये फाइट। आर्क एंजल भी इस फाइट के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा ऑप्शन है क्योंकि वो तो हैवी पे ही खेलता है, लेकिन बस ये है कि जो देखो आर्क एंजल अगर तुम लोग लेके आओगे इसके ऊपर इम्यूनिटी बफ आ जा रहा है, तो उस चीज़ से तुम लोगों को बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। 81,000 भाई साहब, बहुत ज़्यादा तगड़ा डैमेज पड़ रहा है यार यहाँ पे हल्क की तरफ से। तो भाई अगर तुम्हारे पास हल्क है तो भाई हल्क लेके जाओ, यहाँ पर डैमेज दे रहे हो तुम लोग कितना ज़्यादा तगड़ा दे रहा है। किल मॉन्गर ये सब लोग भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर तुम्हें किल मॉन्गर है तुम्हारे पास एंड अपग्रेडेड है तो। अब यहाँ पे एक हैवी दूंगा ताकि प्रोटेक्शन हट जाए, पहले लिए मेरे को यहाँ पे उसने एक लास्ट रिवाइव रहेगी आई थिंक। हाँ, ह्यूमन टॉर्च के साथ मैंने एक लास्ट रिवाइव यूज़ किया, एंड तुम लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पे अब ह्यूमन टॉर्च के साथ भी क्रिटिकल लेके आ रहा हूँ, तो वो भी 8,000 का डैमेज दे ही दे रहा है। हाँ, तो अभी तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा तगड़ा डैमेज दे रहा है ये। चलो यहाँ पे तो ये हो चुकी है नॉक, एंड अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर तुम्हें यहाँ पे स्प्रिंग ऑफ सौरो को मतलब कंप्लीट करवाना है सारे ऑब्जेक्टिव तो तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लाइन आईडी पे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ पे 100% रिप्लाई दूंगा। एंड तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्टिव मतलब 3 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, एक कंप्लीशन का पॉइंट और दो मतलब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट। तो ठीक है, होप करता हूँ तुम लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सी यू द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।